टेक में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ F1S या 1601 का स्क्रीन लॉक। कैसे खोलते हैं ये देखिए, स्क्रीन लॉक है तो इसको हार्ड रिसेट से ट्राई करते हैं। ओप्पो का हार्ड रिसेट से होता नहीं है, फिर भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि देखिए हार्ड रिसेट से होता है कि नहीं होता। माइनस और पावर बटन को दबाएंगे, जैसे वाइब्रेट हो पावर बटन से अपना हाथ हटा लीजिए, रिकवरी मोड में आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप, फिर आपके पास तीन टो एक विंडो खुल जाएगा। ये देखिए इंग्लिश, इसमें वाइब डाटा मारिएगा तो इसमें कुछ नहीं होगा, सिर्फ फ़ोटो और SMS ये इसी बोर्ड जाता है, लेकिन आपका पैटर्न नहीं हटेगा। तो इसको कैंसिल करते हैं। चलिए वाइप डाटा करके देख लेते हैं एक बार, अगर उड़ जाए तो। चलिए वाइप डाटा हमारा सक्सेसफुल हो गया, अब इसको करते हैं रिबूट। ये देखिए हमारा पैटर्न अभी तक हटा नहीं है, तो इसके लिए आपको एक फ़ाइल चाहिए। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और उसको SP टूल से आपको राइट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। देखिए SP टूल खोल लेते हैं। SP टूल का वर्सन है 5.1628। SP टूल खोल लेते हैं। आपको एक तो फाइल हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वो फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पर स्केटर में जाइए और आपका फाइल है, ये देखिए हमारा ऑन मोबीटेक का फाइल है ये वाला, ये ले लिया। अब आपको करना है प्री लोडर को अनटिक कर देना है। आप देख लीजिए यूजर डाटा टिक है कि नहीं, यूजर डाटा टिक है, बस आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। उधर डाउनलोडिंग पे क्लिक कर देते हैं, इसको डाउनलोडिंग पे क्लिक करते हैं। अब USB केबल को प्लस दबाकर USB केबल डालते हैं। ये देखिए हमारा ले रहा है। ये हमारा कंप्लीट। अब USB केबल को निकाल देंगे, अब इसको ऑन करेंगे। नहीं लगा जी सर।